अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है आज एक कविता। जी हाँ, इस कविता की लेखिका हैं, यानी कि शायरा हैं, कि यानी कि मुसन्निफ हैं, मोहतरमा श्रीमती सल्ला महेश्वरी हिंदी अदब की, हिंदी जगत की बहुत ही जानी पहचानी हुई और एक बड़ी लेखिका में उनका नाम आता है। हमें आशा है कि उनका लिखा हुआ आज का ये कविता, जिसका शीर्षक है नेता और नेता, आपको पसंद आएगा। यकीनन जब एक बड़ी तख्लीककार जब किसी चीज़ की तख्लीक करती है तो उसमें बहुत से मानी पोशीदा होते हैं। तो दोस्तों, पेशे खिदमत है उनका लिखा हुआ आज एक कविता, जिसका शीर्षक यानी कि उन्वान है नेता और नेता। पहला नेता, दूसरा नेता, तीसरा नेता, चौथा नेता। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? सब के सब एक सरीखे, इतना सादर्श, इतना सादर्श, बिल्कुल एक सा चेहरा, एक सी वेशभूषा, एक सी भाव भंगीमा, एक सी बोली, एक सा सोच विचार, जैसे दो जिस्म और एक जान, जैसे दो जिस्म और एक जान। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जोड़वा बच्चे में भी थोड़ा तो फर्क होता है ना, लेकिन ये तो लगते हैं जैसे किसी फैक्ट्री के ब्रांडेड उत्पाद, एकदम परफेक्ट, एक से। खोजने से भी कोई फर्क नजर नहीं आता। हाँ, हो सकता है बहुत खोजने पर एक आध पीस डिफेक्टिव निकल जाए, लेकिन उसको फैक्ट्री वाले रिजेक्ट माल कहकर अलग कर देते हैं। और हाँ, ये फैक्ट्री दो ही तरह के ब्रांड तैयार करती है, ये फैक्ट्री दो ही तरह के ब्रांड तैयार करती है, एक सत्य का नेता और दूसरा विपक्ष का नेता। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ये दोनों माली लोगों को पसंद नहीं आते, तब क्या, चालू फैक्ट्री में ताला झोलने की नौबत आ जाती, मालिक बहुत हाथ पांव मारता है
लोगों को बहलाता फुसलाता है, जोर जबरदस्ती करता है, मन मार कर लोग उसे ही सुकारते हैं। पर कभी कभी पानी सर से ऊपर चला जाता है, पर कभी कभी पानी सर से ऊपर चला जाता है, लोग उठ खड़े होते हैं, कुछ दिनों बहुत उथल पुथल हंगामा मार काट और फिर लोग खुद अपनी पसंद का नेता करते हैं, उनका अपना जन नेता जो बने बनाए प्रधारित ढांचों में नहीं, जन जन को जन जन की इच्छा के सांचों में ढलता है, जो बने बनाए प्रधारित ढांचों में नहीं, जन जन की इच्छा के सांचों में ढलता है, जो नित्र मानव नहीं मानव की तरह हंसता है, गाता और रोता है, सपने देखता है, सपनों में रंग भरता है, जो मुझ में तुम में हम सबके अंदर बसता है, हम सबके अंदर बसता है। चलो चलो झांकते हैं अपने भीतर, देखते हैं सपना, सजोते हैं सपना, साकार करते हैं सपना, साकार करते हैं सपना। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक कविता सुन रहे थे, हिंदी कविता। मैं इस हिंदी कविता का शीर्षक था नेता और नेता, यानी कौनवान था नेता और नेता, और मुसन्निफा हैं, लेखक हैं, कवित्री हैं, शायरा हैं, श्रीमती सल्ला देवी, सल्ला महेश्वरी, सल्ला देवी भी कह सकते हैं, सल्ला महेश्वरी। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और अपने उर्दू दान दोस्तों से भी मैं तवक्को रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि वो भी इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि उर्दू और हिंदी अगर आप दोनों को अलग करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, दोनों बहनें हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलती हैं, एक दूसरे के आधार पर ही जिंदा हैं। अगर उर्दू के सारे शब्द हिंदी से निकाल दिए जाएं और अगर हिंदी के सारे शब्द उर्दू से निकाल दिए जाएं तो फिर हिंदी हिंदी नहीं रहेगी और उर्दू उर्दू नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि दोनों बहनें इस कविता को ज़रूर पसंद करेंगी और उन्हें लाइक करेंगी, शेयर करेंगी, कमेंट करेंगी। अगर आप लोगों ने शेयर किया, कमेंट किया तो हमारी भी हिम्मत अफजाई होगी। वैसे मैं हिंदी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ इसलिए पढ़ लेता हूँ। हो सकता है किसी शब्द पे सही दस्तरस ना हो, तो मैं आशा करूँगा कि जो लोग हिंदी दाँ हैं, जो हिंदी अच्छी तरीके से जानते हैं, जहाँ मुझसे गलती हो रही होगी तो मेरी निशानदेही कर देंगे कमेंट करके कि ये शब्द ये नहीं है, ये है, तो मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अदीब के साथ, शायर के साथ, किसी ड्रामा निगार के साथ। तो तब तक के लिए एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज। इस कविता के लिए मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब ओम पारिक साहब का, उनकी वजह से ये कविता मुझ तक पहुँची है। अगर वो फेसबुक में से नहीं डालते तो शायद मैं नहीं पढ़ पाता। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सल्ला महेश्वरी जी का ये कविता नेता और नेता फेसबुक पर डाला, जिसके तुफैल से मैं आप तक ये कविता पढ़कर सुना रहा हूँ। वैसे आपने तो कविता को पढ़ा होगा, लेकिन मैं कविता उनके लिए पढ़ रहा हूँ जो हिंदी नहीं जानते हैं और लेकिन हिंदी से प्यार तो करते हैं, हिंदी से मोहब्बत भी करते हैं, हिंदी में जो चीज़ें आ रही हैं उसे जानना भी चाहते हैं, खासकर हमारा उर्दू तबका उन्हें सुनना चाहता है, उन्हें जानना चाहता है। तो मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ, आशा है कि उन्हें ये कविता पसंद आएगा और वो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।